हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाना बता रही हूँ, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर मिंट का शरबत बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मिंट। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में मैंने एक कच्ची कैरी ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और साथ में 1 कप शुगर ली है एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट। अभी हम सबसे पहले कच्ची कैरी और मिंट को अलग अलग ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने मिंट और कच्ची आमी को अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। अभी हमने गैस पे अपना पैन रखेंगे और उसमें हम पानी को बॉईल करेंगे। अभी हमने देखिए पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 ग्लास वाटर ऐड किया है। और साथ में अब हम ये जो चीनी है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हम चीनी इसलिए इसमें ऐड करें जिससे कि ये शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, फिर जो हमारा कच्ची कैरी का जो हमने ये जो ग्राइंड किया हुआ रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। पर पहले हम ये शुगर है इसको हम पहले अच्छे से मेल्ट होने देते हैं वाटर में। ये देखिए, ये वाटर अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसमें ये कच्ची कैरी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने ये कच्ची कैरी को इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम इसको बॉयल भी करेंगे, जिससे कि जो कच्ची कैरी है वो अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये चीनी और जो हमने कच्ची कैरी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी थी और ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा ऐड। और हम इसको और मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें कच्ची कैरी ऐड की है तो उसमें थोड़े से रेशे हैं, तो अगर पसंद नहीं आते हैं बहुत सारे लोगों को, तो हम इसलिए इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो हमने मिंट अपना अलग से ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये हमारा भी ये इसका मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको छान के अपने बाउल में निकाल लिया है। अब हमने जो मिंट अलग से पीसा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मिंट का शरबत रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्लास में पोर कर लेते हैं। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। मिंट वैसे भी गर्मी में बहुत बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये हमारी बॉडी को भी कूल रखता है। तो हम इसको ग्लासेस में अपने पोर कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ग्लासेस में आइस ऐड कर दी है। अब हम इसमें ये जो मिंट का शरबत है वो हम इसमें पोर करेंगे। ये देखिए, ये हमारा मिंट का शरबत रेडी हो गया है। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।